हाय, चांद, सितारे, सूर्य, सन, स्टार, मून, स्पेस, एस्ट्रोनॉमी। यूनिवर्स इज़ अ फैसिनेटिंग प्लेस टू लिव इन। हमारे सौर्यमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। मिल्की वे गैलेक्सी हैज़ इनर सोलर सिस्टम, 8 प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एट्सेट्रा। अब 8 ही ग्रहों में रिसर्चेस की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया कि क्या जीवन किसी में पॉसिबल है, और स्टडीज़ ने बताया कि सिवाय हमारे प्लैनेट अर्थ के जीवन और किसी भी ग्रह में नहीं है। हमारे स्पेस फ्लाइट्स, स्पेस रॉकेट्स, एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग जगह रिसर्चेस करने निकले, चांद, सितारे, तारामंडल भी देख के आए। उन्होंने ये बताया कि लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी अदर प्लैनेट, क्योंकि जो बेसिक ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, एक टेम्परेचर चाहिए जो तापमान न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म हो, राइट केमिकल कॉम्पोजिशन, वाटर एंड कार्बन, वो सिर्फ पूरे प्लैनेट्स में हमारे प्लैनेट में है, प्लैनेट अर्थ। तो पूरे ब्रह्मांड में जीने की जगह, हैबिटेबल प्लेस सिर्फ ये ग्रह है जिसमें हम रह रहे हैं, प्लैनेट अर्थ। लेट्स हैव सम लाइट इनटू इट। वार्म वेलकम ब्रदर। थैंक यू। भाई साहब, ये तो देखा गया कि कोई और मनुष्य किसी और दुनिया में नहीं दिखा, किसी और ग्रह में नहीं दिखा। तो अब एस्ट्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है जिसमें हमारे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंटरेस्ट दिखाया कि क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रिशियल लाइफ इस यूनिवर्स में है, जैसे कि एंजल्स, एलियंस। अगर हैं तो कहाँ पे हैं, हम उन्हें कहाँ ढूंढें और कैसे ढूंढें? क्योंकि बहुत सारे कॉमिक्स, फिक्शंस, मीडिया, रिसर्चेस, फिल्म्स, टेलीविज़न शो सिर्फ इसको बेसिस लेके बनाया जाता है, पता नहीं रियल है कि इमेजिनरी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारा विज्ञान है ये फिजिकल चीज़ें हैं, और इसके रिसर्च के आधार पे जो नॉन फिजिकल चीज़ें हैं, मेटाफिजिकल चीज़ें हैं, उन पे रिसर्च नहीं हो पाती है। थोड़ी बहुत झलक दिखती है, लेकिन उनके बारे में संपूर्ण नॉलेज भी उनको नहीं मिल सकती। एलियंस कहाँ से आते हैं, कभी कभी दिखे जाते हैं। फरिश्ते, चर्चाएं हैं बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों ही जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट तो करती हैं, ऐसा नहीं कि हैं ही नहीं। तो ये इस दुनिया की नहीं है, ये किसी और दुनिया की है, वहाँ तक विज्ञान नहीं पहुँच सकता। और ये भी सत्य है, हमने तो भगवान के मुख से ये वचन सुने हैं कि जीव प्राणी यानी ये मनुष्य जीवन पृथ्वी के अलावा और कहीं भी नहीं है। जैसा आपने चर्चा की, वहाँ भिन्न भिन्न चीज़ें ही नहीं, ना वैसा क्लाइमेट है, ना ऑक्सीजन है, बहुत कुछ चाहिए ना मनुष्य को रहने के लिए। तो उसको भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बहुत चीज़ें आवश्यक हैं मनुष्य को। तो हमें जानना चाहिए कि जैसे यहाँ 2 चीज़ें हैं, ये एक हमारा शरीर है और इसको चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। इस पे बहुत थोड़े मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, वो भी अभी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आई है। मुझे बताया हमारे यहाँ एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने एक चीज़ जान ली है कि हाइपोथैलेमस के नीचे से ब्रेन में, हाइपोथैलेमस के नीचे से ब्रेन को कमांड जा रहा है। अब उन्हें नहीं पता ये आत्मा है यहाँ, क्योंकि आत्मा को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, किसी भी यंत्र से उन्हें देखा नहीं जा सकता है। तो पहले तो मनुष्य को ये जानना आवश्यक होगा कि मैं हूँ कौन। ये शरीर तो उसको भी है जो मर गया है, कौन चला गया उसे? लोग कहेंगे ब्रेन डेड हो गया। क्यों हो गया ब्रेन डेड? हार्ट फेल हो गया। क्यों शरीर चल नहीं रहा है? तो जब तक मनुष्य को ये ज्ञान नहीं है, तब तक वो संपूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकेगा। फिजिकल ज्ञान सारा मनुष्य इकट्ठा कर रहा है, वो भी परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो बहुत अच्छे वैज्ञानिक है वो जानते हैं उन्होंने प्रकृति का अंश मात्र ही जाना है अब तक। उन्होंने कोई सब कुछ जान लिया, इम्पॉसिबल है। आत्मा को जानने से ये रिसर्च 10 गुनी ज़्यादा हो सकती है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो एक तो मनुष्यों का स्थान केवल पृथ्वी है, दूसरा ये जो ग्रह स्टार्स की आपने बात की, और बहुत सारे ग्रीक वालों ने तो जब भारत पे अटैक किया तो इतिहास बताता है कि चाणक्य ने यही नीति अपनाई थी कि उनका झंडा उखड़वा दिया, 2-4 चीज़ें ऐसी कर दी, वो लोग बीमार हो गए और ये प्रचार करा दिया कि तुम्हारे जो देवता हैं ना वो देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, तुमसे देवी देवता रुष्ट हो गए, तुम्हारे स्टार्स बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं तुमसे, यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे, और उनमें भय फैल गया। तो ये इतिहास में चाणक्य ने एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली थी। तो वास्तव में सत्य है कि इन कुछ देशों में ये माना जाता है कि स्टार्स इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन ये ऐसे स्टार्स इच्छाएं पूरी नहीं किया करते, क्योंकि ये सभी जो भी ये सूरज, चांद, तारे, ग्रह और सब स्टार्स हैं ये प्रकृति की रचना है, और प्रकृति है जड़, चेतन नहीं है। चेतन तो केवल आत्मा और परमात्मा है। जो हमें प्रकृति में ये चेतनता दिखाई देती है, पेड़ बढ़ रहे हैं, बहुत सारे पत्थर भी बढ़ रहे हैं, ये चेतनता चेतन मनुष्य आत्मा के वाइब्रेशंस के कारण है, क्योंकि हमारे चारों ओर हमारे चेतन वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं, उनके कारण इन सब में भी चेतनता प्रतीत होती है। एक ये बात। तो स्टार्स किसी की इच्छा पूरी नहीं करते, वो तो देवी देवता जिनको लोग भूल गए हैं उनके द्वारा परमात्मा इच्छाएं पूरी करते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि स्टार नहीं, आत्मा भी स्टार लाइक सटल पॉइंट ऑफ एनर्जी है। यदि हम उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो हमारी अनेक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। स्टार्स इच्छाएं नहीं पूरी करते, इस पर ग्रीक, फिलीपींस और जर्मन, बहुत सारे देशों में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि पावर ऑफ शूटिंग स्टार। जब रात में जगमगाते सितारे देखते हैं तो समझते हैं ये हमारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, पर ये सितारों में हमारी ख्वाहिशें पूरी करने की ताकत नहीं है। इसके लिए तो हमको ऐसा है कि भाग्य का सितारा जगमगाना पड़ेगा। बिल्कुल यही सत्य है, और ये भी संभव है कि अब से 1000 साल, 2000 साल पहले जब मनुष्य की मनोस्थिति बहुत सात्विक थी, तब ये स्टार्स कुछ लोगों की भावनाओं के अनुसार इच्छाएं पूर्ण करते भी हों। लेकिन अब सबकी स्थिति तमोप्रधान है, सब जो कुछ हैं वो अपनी एनर्जी को खो चुके हैं। ये बात लोगों को नहीं पता। प्रकृति भी अपनी संपूर्ण एनर्जी को यूज करके खाली हो गई है, मनुष्य भी अपनी संपूर्ण स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं फलों में टेस्ट कहाँ है, राइट? पहले हम एप्पल खा लेते थे, एक लगता था कुछ खा लिया, अब तो घास खा रहे ऐसा लगता है। दूध पी लेते थे एक गिलास, एनर्जी आ गई, अब तो कुछ भी दम ही नहीं है चीज़ों में। तो सभी चीज़ें एनर्जी खो चुके हैं। हम जैसे जैसे अपनी आत्मा की एनर्जी को बढ़ाएंगे, देखिए यह है बहुत सटिल सीक्रेट, जैसे जैसे हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाएंगे हमारी एनर्जी इन स्टार्स को एनर्जी प्रदान करेगी, और तब वो रिवर्स होगी और मनुष्य को यह आभास होगा ऊपर से भी बहुत अच्छे वाइब्रेशंस हमको मिल रहे हैं जो आजकल नहीं मिलते, और तब ऐसा लगेगा इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। ये सीक्रेट है इसके पीछे। वेरी नाइस सीक्रेट। तो हमारी एनर्जी ट्रैवल करती है ऊपर तक। बिल्कुल। भाई साहब, एंजल्स की बात करें तो इस्लाम, जुडाइज़म, क्रिश्चियंस, बहुत सारे रिलीजन ने एंजल्स को स्वीकारा है और एंजल एक रिलीजियस फिगर माना गया है। अब क्रिश्चियंस कहते हैं कि एंजल्स को भगवान ने सेंट, दे आर विल्ड बाय गॉड। इस्लाम कहता है कि एंजल्स कुछ प्रकाश के फिगर्स हैं जो कि इस प्रकृति में निश्चिंत रूप से हैं। तो ये एंजल्स एक्चुअल में है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और इसके बारे में, एंजल्स के बारे में बहुत सारे धर्मों में पूरी मान्यता है ही। हिंदू धर्म में परियों के रूप में उनकी मान्यता है, देवी देवता अलग, परियों के रूप में उनकी मान्यता है। और मैं एक सीक्रेट और ओपन कर देना चाहता हूँ आज सबके सामने। इस्लाम वाले जानते हैं, मुस्लिम जानते हैं कि एंजल्स ने ज्ञान दिया थ्रू मोहम्मद साहब या इब्राहिम, और क्रिश्चियन वालों को मुझे पता नहीं पता है या नहीं, लेकिन जीसस में भी एक प्योर एंजल ने ही एंटर करके ज्ञान दिया था। और जब जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया गया था तो वही एंजल निकल गया था। तो जीसस के वर्ड हैं लास्ट, ओ लॉर्ड एट द एंड इवन यू लेफ्ट मी। ये जो अच्छी तरह स्टडी करते हैं उन्हें मालूम है। महात्मा बुद्ध, उसकी कहानी आप देखो, हार गए तपस्या करके, वेद शास्त्र पढ़ के, जा बैठे एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। अचानक उन्हें बोध प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। अचानक कहाँ से आ गया? वो एक डिवाइन एंजल ने ही उनके तन में प्रवेश किया था और ज्ञान दिया था उनके द्वारा। तो ये एंजल्स की मान्यता इसलिए बहुत बढ़ गई। तो मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से सबके सामने रख देता हूँ। आत्मा इस शरीर में यहाँ रहती है। आत्मा जो कुछ सोचती है, उसकी लाइट, उसकी एनर्जी पूरे शरीर में निरंतर फैलती रहती है। जैसे जब हम बहुत अच्छा सोचते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, हम किसी फंक्शन में होते हैं, उमंग में होते हैं, नाच गा रहे हैं, तो हमारा चेहरा कुछ और होता है, क्योंकि हमारे मन से जो तरंगे फैल रही हैं, सटिल लाइट, वो बहुत डिवाइन हो जाती है, गोल्डन हो जाती है। और जब घर में दुख का माहौल है, किसी की मृत्यु हो गई, तो सबके चेहरे देखने लायक होते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, बॉडी ऑफ लाइट, बॉडी ऑफ एनर्जी, कोई एस्ट्रल बॉडी, कोई इमोशनल बॉडी, ये एक ही के भिन्न भिन्न नाम है। जैसा जैसा मनुष्य के मन में इमोशंस होता है, उसकी बॉडी बनती है, इमोशनल बॉडी कह दिया है। तो जैसे मनुष्य ने शरीर छोड़ दिया, तो आत्मा जो है सटिल एनर्जी, वो इस लाइट के शरीर के द्वारा बाहर जाएगी, यानी एक फरिश्ते रूप से बाहर जाएगी। लेकिन उसको फरिश्ता नहीं कह सकते, क्योंकि फरिश्ता मीन्स व्हेन वी आर एब्सोल्युटली प्योर, एनर्जेटिक, बहुत स्पिरिचुअलिटी से भरपूर, वो तो कोई है नहीं। ये जो फरिश्ते ऊपर से उतरे थे इन प्रोफेट्स में, ये परफेक्ट एंजल्स थे, इसलिए उनके द्वारा बहुत सुंदर ज्ञान दिया गया था। हम सब भी, हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में फरिश्ता बनना, परफेक्ट एंजल बनना हमारा लक्ष्य है, और हम उसके लिए साधना कर रहे हैं ताकि हमारी प्योरिटी परफेक्ट हो जाए, हमारे जितने भी पाप कर्मों का खाता हमारे पास है वो सब नष्ट हो जाए, हमारी शक्तियाँ बढ़ जाएं। तो ये सच है कि फरिश्तों का बॉडी लाइट का होता है, वो किसी बंधन में नहीं होते, वो आ जा सकते हैं। रही बात इनका निवास कहाँ है, जैसे एलियंस और एंजल्स की बात हो रही थी, ऊपर से उतर आते हैं, तो ऊपर कहाँ? तो वास्तव में ये जो हमारा आकाश मंडल है, इसमें गैलेक्सी और क्या क्या है, ये तो बेअंत है। इसके ऊपर, इसी जो हमें ये नीला आकाश दिख रहा है, इसके ऊपर, बहुत ऊपर, इसका कलर वाइट होने लगेगा, वो है फरिश्तों की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ द एंजल्स। वहाँ से ये फरिश्ते नीचे आते हैं, और अब भी कुछ फरिश्ते जो कार्यरत हैं संसार में, मुस्लिम्स में भी हैं और हिंदुओं में भी हैं और क्रिश्चियंस में भी हैं, वो सब भी वहीं से आते जाते हैं। ये बंधन मुक्त हैं, ये मुक्त अवस्था में रहते हैं। तो हमें भी एंजेलिक स्टेज को प्राप्त करना है। जब हमारे मन में सभी के लिए सद्भावनाएं भर जाती हैं, जब हम सभी के लिए सुखदायी और कल्याणकारी हो जाते हैं, जब हम ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर और संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं, तब हैं हम परफेक्ट एंजल। वेरी नाइस भाई साहब, तो हम सब भी एंजल्स बन सकते हैं। अभी तक तो ये फैंसी दुनिया में ही एंजल्स को इमेजिन करते थे, पर जब ये स्क्रिप्चर्स पढ़े, क्रिश्चियंस, इस्लाम, जो कि कहते हैं अपने स्क्रिप्चर्स में, उनके स्क्रिप्चर्स में लिखा है, बाइबल में भी, कि एंजल्स रियल में एग्जिस्ट करते और गॉड के मैसेंजर हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि आकाश का अंत नहीं पा सकते, फिर ये जो सूर्य देवता कहते हैं, चांद, सितारे, इनको कहते हैं, ये बत्तियां हैं। ये दुनिया पूरी एक मांडवा है और इसकी बत्तियां हैं। सच तो यही है। देवता का अर्थ एक दूसरा भी होता है, देने वाला, जो केवल देता है, लेता कुछ नहीं रिटर्न में। तो चांद आप देखो, रात की सबसे सुंदर शोभा है, और सूरज ना हो तो संसार ही ना हो। उसे एनर्जी मिल रही, हीट भी मिल रही है, लाइट भी मिल रही, सोलर एनर्जी, न जाने क्या क्या उससे मिल रहा है। अभी पूरी रिसर्च थोड़ा ही हुई है। तो ये सब इस मनुष्य सृष्टि के संचालन के लिए गॉड्स क्रिएशन है। तो एक्चुअल में ये तो लाइट्स हैं। अभी कुछ स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा है कि ऊपर अंतरिक्ष में एक भव्य स्वर लोक है। क्या ऐसा है कि कोई और भी दुनिया है जिसको हम देख भी ना पा रहे हो, या रिसर्चर्स ने रिसर्च ना किया हो, इन्वेस्टिगेशन में हमारी स्टडीज़ ने ना पकड़ा हो? क्योंकि बहुत सारी स्क्रिप्चर्स में ये मान्यता है कि स्वर्ग है जहाँ पुण्य आत्माएँ रहती हैं, और वो ऊपर है। देखिए, स्वर्ग तो है, अगर वो ना होता तो भारत में, तो आप जानते हैं जब किसी की मृत्यु होती है तो ये भी एक शब्द उच्चारण किया जाता है, स्वर्गवास हो गया। राइट उन्हें पता नहीं स्वर्ग है कहाँ, जहाँ वो चला गया। स्वर्ग सिधार गया भाई, ये तो व्यक्ति परलोक सिधार गया, ऐसे ऐसे बोला जाता है। तो जो कुछ भी एक नेचुरल बोल मनुष्य के मुख से निकल रहे हैं, और वो अनंत काल से निकल रहे हैं, उनके पीछे रहस्य तो है जरूर। और मैंने ये भी सुना, कहाँ लिखा ये मुझे पता नहीं, पर क्रिश्चियन लोग भी ये मानते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इस धरा पे स्वर्ग था। तो स्वर्ग की चर्चा कहीं ना कहीं है। मुस्लिम्स में भी बहिश्त, दोजक आदि की चर्चाएं हैं, और लोग ऐसा पढ़ते हैं कि भाई तुम बहिश्त में जाओगे तो ये करना पड़ेगा तुम्हें, सब तो नहीं जा सकते मृत्यु के बाद। कोई कहते हैं कि भगवान आएगा एंड में, कब्र दाखिल हुए लोगों को निकालेगा, स्वर्ग में ले जाएगा। ऐसे तो कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता। तो एक्चुअली स्वर्ग ऊपर है या नीचे है, लोग ऐसा ही मानते हैं। भारतीय माइथोलॉजी के अनुसार तो नर्क नीचे, स्वर्ग ऊपर। राइट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर तो कोई लोक है ही नहीं, हम चर्चा कराए। सूक्ष्म वतन है, वो भी लोक नहीं है, केवल वर्ल्ड ऑफ एंजल्स है, ए प्लेस ऑफ एंजल्स है, स्पेस ऑफ एंजल्स है। तो ये जो संसार का चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापुर और कलयुग का, इसमें जो पहले दो युग हैं, सतयुग और त्रेता युग, ये गोल्डन पीरियड ऑफ दिस अर्थ है। ये गोल्डन पीरियड जहाँ मनुष्य देव स्वरूप में होता है, प्रकृति संपूर्ण सुखदायी होती है, अथाह धन संपदा इस धरा पर होती है। अगर मैं भगवान के वचनों को कहूँ तो सोने के ही महल बनते हैं, ईंटें सोने की होती हैं, चांदी की भी होती हैं, हीरे जड़ित होते हैं उनमें, अथाह हीरे, अथाह सोना चांदी, अथाह धन संपदा धरती पर आ जाता है। तो पहला जो दो युग है वो देव युग कहलाता है, उसको ही स्वर्ग कहते हैं। और द्वापर युग से देवत्व में गिरावट आ जाती है, फिर देवता मनुष्य को नहीं कहा जा सकता, फिर वो मनुष्य कहलाता है। छोटे मोटे युद्ध शुरू होते हैं, इतिहास लिखा जाता है। द्वापर और कलयुग के इस पीरियड को नरक कहा जाता है। आज अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति, चिंतक व्यक्ति विचार करे तो वो सहज समझ लेगा कि वर्तमान दुनिया नरक तुल्य है। इसमें सच्चा सुख नहीं है, इसमें निस्वार्थ प्रेम नहीं है, इसमें प्योरिटी नहीं है, इसमें लोग लालच में ही संसार जी रहा है, एक दूसरे को कस देते हुए लोग जी रहे हैं। मनी इज एवरीथिंग, ये मान्यता हो गई है, मानवता इज नथिंग। तो ये दुनिया नर्क और सतयुगी दुनिया स्वर्ग कहलाती है। लेकिन उस दुनिया में वही आत्माएं जा सकती हैं जो पवित्र बनेंगी। भगवान आकर मनुष्य को देवता बना रहे हैं, जो उनसे राजयोग सीखकर अपने जन्म जन्म के विकारों को, विकर्मों को नष्ट करेंगी, और जो सद्गुणों का श्रृंगार करेंगी। भाई, ये श्रृंगार तो लोग बहुत करते हैं। सद्गुणों का, दैवी गुणों का श्रृंगार करेंगे, जो पुण्य आत्माएं होंगी, जो बहुत सुखदायी होंगी, जिनका चित्त शुभ भावनाओं से भरा होगा, जो लाइक एंजिल होंगी, वो देवलोक में, स्वर्ग में जाएंगी। सद्गुणों का श्रृंगार करना पड़ेगा स्वर्ग में जाने के लिए। आपने बताया कि स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, और ना ही अभी इस दुनिया में है, वो तो आने वाला है, नेक्स्ट एज। भाई साहब, अर्थ, हमारी पृथ्वी सूर्य के अराउंड परिक्रमा करती है और जिस इसको एक पूरा चक्र लगाने में जितना समय लगता है उसको एक साल कहा जाता है। सो दैट मीन्स 365 दिन ये सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करता है अर्थ पर। पृथ्वी घूम रही है, इसका आपको और मेरे को एहसास भी नहीं होता। शायद उसी तरह आपने जिस चक्र की बात की, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये भी चल ही रहा है पर हमको एहसास नहीं है इसके होने का। बाकी सब चीज़ों से तो क्लैरिटी आ गई कि कोई ऊपर कोई दुनिया नहीं है, आसमान में स्वर्ग नहीं है, सौरमंडल के सब ग्रहों में जीवन नहीं है, तो हर जगह से हमारा इंटेलेक्ट ख़त्म होके यहाँ पे आता है इस दुनिया में। अब इस दुनिया की, हमारे ग्रह की बात करें, क्योंकि बाकी सब पॉइंट्स तो ख़त्म हो जाते हैं। अब जब इस प्लैनेट की बात करें तो हमारे प्लैनेट को साइंस ऑल ब्लू, नीला कलर का दिखाता है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों से ये ग्रह एक अलग ही जगह कैप्चर करता है क्योंकि ये नीला है। नीला इसलिए दिखाते हैं क्योंकि 71% हिस्सा ओशियन से कवर्ड है, मेजर हिस्सा पानी से कवर्ड है और बाकी 29% ज़मीन है। द संस्कृत एपिक रामायणा की बात करें तो उसमें भी एक आइलैंड का जिक्र किया गया है कि एक लंका थी जिसमें रावण राज्य करता था। एक वो और एक ये हमारा प्लैनेट, हमारी पृथ्वी जिसको नीला दिखाते हैं, इन दोनों का कोई कनेक्शन है क्योंकि दोनों आइलैंड हैं। इसमें भी आइलैंड की बात की कि एक आइलैंड में रहता था रावण, और ये भी कुछ साइंस कहता है आइलैंड जैसा दिखता है। ये दोनों शब्द यूज ही नहीं किए जा सकते क्योंकि लंका भी पृथ्वी पर ही एक आइलैंड है, इसलिए इसी का ये एक हिस्सा है। देखिए, जो वाटर की बात है ये बड़ी वंडरफुल है। 70, 71, 72% सागर, मनुष्य के शरीर में भी इतने ही परसेंटेज में पानी, राइट। और किसी ने मुझे एक और सीक्रेट बताया कि ये जो हमारा अंतरिक्ष है इसमें भी जल कण होते हैं, उसमें भी इसी परसेंटेज में जल कण है। तो बड़ा, देखिए ये गॉड्स रचना कितनी वंडरफुल है, एक सुंदर बैलेंस है इसमें। तो हमारा ये बहुत बड़ा आइलैंड है, इस पर हम रहते हैं। सागर को बहुत बहुत थैंक्स देना, उसने हमें सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। जैसे सन बहुत कुछ देता है, सागर भी मनुष्य को बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। तो ये प्रकृति के सभी तत्व, हम इनके आभारी हैं। लेकिन हम आत्माएं हैं, इस स्मृति में हमें बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, तो बहुत अच्छे अनुभव रहे। तो इसका कोई कनेक्शन रावण जहाँ पे राज्य करता था उस लंका से है? नहीं नहीं, ये सारा ही लंका भी अर्थ में ही, उस प्लेनेट्स के अंदर छोटा आइलैंड है। ब्रदर, हमारे ग्रह को नीला दिखाते हैं साइंस, पर शास्त्रों में इस ग्रह को काला दिखाया है। इस युग कलयुग को कलयुग नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि काला युग। हम कौन से कलर की दुनिया में रहते हैं? एक्चुअली दुनिया में कलर नहीं है, काले तो मनुष्य हो गए हैं। दुनिया तो रंग बिरंगी है, दुनिया तो बहुत सुंदर है, लेकिन मनुष्य का मन काला हो गया। मनोविकारों ने उसको दूषित कर दिया है, लोभ लालच ने उसकी जो निर्मलता है उसको समाप्त कर दिया है, पाप ने इस कालेपन को और बढ़ा दिया है। अब देखते हैं कितने रेप होते हैं, कितने अत्याचार होते हैं, कितना पाप की, अब कोरोना में भी लोगों ने देखा पाप की अति नहीं रही है, मनुष्य मानवता को भूल गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारी धरती है ये काली हो गई है, धरती नहीं मनुष्य काले हो गए। थैंक यू सो मच भाई साहब ये बताने के लिए कि एक्चुअल में वो नीला तो नेचर को दिखाते हैं पर हमारा ओरिजिनल कलर काला हो गया है। थैंक यू। स्पेस एस्ट्रोनॉमी, अभी तक ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था पर साइंस के लिए, साइंस के द्वारा हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते थे, डिफरेंट स्टडीज़, रिसर्चेस, बट भाई साहब से एक अलग ही डायमेंशन का पता चला कि स्पेस को स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो एंजल्स हैं ये तो एक्चुअल में रियलिस्टिक फिगर हैं, और सिर्फ एंजल्स नहीं, हम सब भी एंजल्स बन सकते हैं अपने में डिवाइन वर्च्यूज़ ला के। ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करके, राजयोगा को करके हम अपने में डिवाइन वर्च्यूज़ ला सकते हैं। और ये एंजल्स एक रियल फिगर जिसको सारे रिलीजन्स, इस्लाम, जुडाइज़म, क्रिश्चियंस, बाइबल सब ने एक्सेप्ट किया है। ये एंजल्स एक्चुअल में हैं, पर कहाँ थी वो अब तक नहीं पता था, जो अब पता चल गया कि हम सब भी एंजल्स बन सकते हैं। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, स्वर्ग तो अभी आने वाली दुनिया के बारे में कहा जाता है। जो अभी कलयुग चल रहा है उसके बाद ये सतयुग, स्वर्ग आएगा। तो अब सारे पॉइंट्स यूनिवर्स के क्लियर हो जाते हैं कि सौरमंडल के अन्य ग्रहों में कोई जीवन नहीं है, ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है। जो भी है पूरी दुनिया में वो सिर्फ इस प्लैनेट धरती पर है, जहाँ पे भगवान स्वयं आके हमें राजयोग सिखा रहे हैं, फिर उस स्वर्णिम दुनिया को लाने के लिए हमें लायक बना रहे हैं। विद दैट नोट लेट्स वाइंड अप विद अ स्माइलिंग फेस। थैंक यू।